तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें भी हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इनिशियल रेस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एरर रेस्पॉन्स, डायनामिक रेस्पॉन्स, आइदर ऑफ द अबव। तो ये मेरा आंसर होगा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ऑप्शन ए। इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट, आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल इनपुट, ओनली सिस्टम पैरामीटर हैव इफेक्ट द कंट्रोल आउटपुट, नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है तो आउटपुट जो होता है इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। तो आंसर हो रहा है ऑप्शन ए। और आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल इनपुट, ये क्लोज सिस्टम के लिए होता है, ये बी ऑप्शन है, ये क्लोज लूप के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, एनी ऑफ द अबव। तो ये मेरा है इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चलता है। ओके, तो ये इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट का एक एक्सटेंशन है, तो इसीलिए मेरा आंसर जो हो रहा है ऑप्शन ए। इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज क्रैम्प्ड स्केल फॉर लार्ज वैल्यू देन इट फॉलो स्क्वायर लॉ, लॉगरिथमिक लॉ, यूनिफॉर्म लॉ, नन ऑफ द अबव। तो ये देखिए, जो क्रैम्प स्केल जो होता है वो लॉगरिथम के केस में होता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक जो लॉ होता है वो हो रहा है आपका क्रैम्प स्केल। तो मेरा इसमें आंसर हो रहा है बी। इन वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप द मूविंग कॉयल इज कनेक्टेड अक्रॉस बस बार, इनकमिंग ऑल्टरनेटर, फिक्स्ड कॉयल्स, एनी ऑफ द अबव। तो देखिए, ये वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप जो होता है, सिंक्रोनाइजेशन करने का इंस्ट्रूमेंट है ये। ओके, तो ये इसका जो मूविंग कॉयल है ये हमेशा बस बार में कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए। इफ एन इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन वन आर्म ऑफ ब्रिज एंड रेजिस्टेंस इन द रिमेनिंग थ्री आर्म्स। तो ये एक ब्रिज बता दिया, एक ब्रिज में चार जो आर्म होता है, इसमें एक में क्या क्या इंडक्शन लगा लिया और रिमेनिंग तीन में रेजिस्टेंस लगा दिया। द ब्रिज कैन ऑलवेज बी बैलेंस्ड, द ब्रिज कैन नॉट बी बैलेंस्ड, द ब्रिज कैन बी बैलेंस इफ द रेजिस्टेंस हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज। तो इसमें देखिए, द ब्रिज कैन नॉट बी बैलेंस, तो ब्रिज बैलेंस में नहीं रहेगा, चारों रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, अगर इंडक्टेंस इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ वो इक्वल हो जाएगा तो बैलेंस होगा। तो मेरा आंसर हो रहा है देखिए ऑप्शन बी। इन एन एसी कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर द करंट इन द फेज एंड क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर आर एडजस्ट टू बी। देखिए, यहाँ पे बोला है कि एसी कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर और क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर, तो कौन कितना एंगल में रहेगा, जो फेज एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच में, आउट ऑफ फेज 90 डिग्री, आउट ऑफ फेज 60, आउट ऑफ फेज 30, आउट ऑफ फेज 0, आउट ऑफ फेज 180 डिग्री। तो ये हमेशा क्या करेगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल में रहेगा। तो मेरा आंसर हो रहा है ऑप्शन ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वुड बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लो डीसी वोल्टेज। तो लो डीसी वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस इसमें से चुना जाएगा, स्मॉल रेंज मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, डीसी पोटेंशियोमीटर, स्मॉल रेंज थर्मोकपल वोल्टमीटर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए, स्मॉल रेंज मूविंग कॉइल वोल्टमीटर जो है वो स्मॉल डीसी मेजरमेंट करने के लिए है। मूविंग कॉइल जो होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हमेशा डीसी मेजर करता है, एसी मेजर नहीं करता है। इन्हें थ्री फेज पावर मेजरमेंट बाई टू वाटमीटर मेथड, बोथ द वाटमीटर हैड आइडेंटिकल रीडिंग, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड वॉज यूनिटी, लैगिंग 0.8 लीडिंग 0।
देखिए, जब पावर फैक्टर वन होता है तब दो वाट मीटर में रीडिंग सेम दिखाता है, और जब पावर फैक्टर जीरो होता है तो दोनों में रीडिंग सेम दिखाता है, लेकिन जो उनका जो डायरेक्शन है, साइन होता है, वो अपोजिट होता है। ओके, ये हमसे याद रखना है। और आइडेंटिकल हो रहा है मतलब इसका हमेशा यूनिटी हो रहा है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर 0.5 हो गया, मतलब एक में रीडिंग पूरा वाट मीटर में रीडिंग दिखाएगा और एक में जीरो दिखाएगा। ये हमेशा याद, यहाँ पे मेरा आंसर हो रहा है यूनिटी। द मल्टीमीटर एंड द मीटर कॉयल इन ए वोल्ट मीटर, सॉरी द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉयल इन ए वोल्ट मीटर इन सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, नन ऑफ दिस अबव। तो हमेशा देखिए मल्टीप्लायर और मीटर का कॉयल जो वोल्ट मीटर में हमेशा सीरीज में रहता है। ओके, और एमीटर जो है एमीटर में हमेशा पैरेलल में रहता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो रहा है ए सीरीज। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट रिलेटिव टू आर्ट एंड वन अनदर। तो टेंजन गैल्वेनोमीटर, मेगा करंट ट्रांसफार्मर, नानो वगैरह। तो इसमें आसानी से बता सकते हो कि जो मेगा होगा, जो हाई रेजिस्टेंस, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस मेजर करता है, मेगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा करता है। ए मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज डैश बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस शंट। देखिए, मूविंग कॉयल बोल गया है परमानेंट मैग्नेट, PMMC इंस्ट्रूमेंट, लो रेजिस्टेंस शंट, शंट में मतलब पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब इसको एमीटर के द्वारा यूज कर सकते हैं। एमीटर का जो मतलब उसका रेंज एक्सटेंशन करने के लिए ये यूज होता है। ओके, तो इसमें मेरा आंसर हो रहा है एमीटर। द यूज ऑफ डेंस इंस्ट्रूमेंट इज नियरली कन्फाइंड within laboratory as standardizing instrument। तो standardizing करने के लिए कौन सा instrument use होता है? Absolute, indicating, recording, integrating, none of this above। तो मेरा answer यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है answer। okay, तो ये absolute instrument जो होता है ये standardizing करने के लिए use होता है absolute। The skin effect of a conductor will reduce as the resistivity of conductor material increases, permeability of conductor material increases, diameter increases, frequency increases। देखिए, skin effect का जो formula होता है, तो formula में जो resistivity रहता है, resistivity के साथ क्या होता है, inversely proportional होता है। ओके, तो स्किन इफेक्ट रिड्यूस करना है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो रहा है ए। इन द एनालिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एज वेल एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए, जो शंट कैपेसिटेंस है, मेनली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में निगलेक्ट कर किया जाता है। तो मेरा यहाँ पे आंसर हो रहा है ए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड 1 kV, 11 kV, 22 kV, 33 kV। तो इसमें हो रहा है 33 kV, 33 kV, बियॉन्ड 33 kV पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं होता है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, यूजिंग ए गार्ड रिंग, ग्रेडिंग द इंसुलेटर, यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस अबव। तो इसमें देखिए, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो गार्ड रिंग भी यूज होता है, इंसुलेटर ग्रेडिंग भी होता है, और क्रॉस आर्म भी यूज होता है। तो मेरा आंसर हो रहा है ऑल एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। द स्टील यूज्ड इन स्टील कोट कंडक्टर इज यूजुअली एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, मेल स्टील, हाई स्पीड स्टील, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा आंसर होने पर जाए मेल स्टील यूज होता है, जो स्टील कोट कंडक्टर होता है मेल स्टील यूज होता है। तो
option C. Which of the following is usually not the generating voltage? 6.6 kV, 8.8 kV, 11 kV, 13.2 kV. तो देखिए 8.8 kV जो है ये जेनरेट नहीं होता है, हमेशा 11 kV होता है या 66 kV होता है, 6.6 kV होता है, 13.2 kV होता है. तो मेरा यहाँ पे आंसर जो हो रहा है ऑप्शन बी 8.8 kV. ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ ग्लास, पोर्सिलिन, आयरन, पीवीसी. तो ये ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर यूज होता है मैक्सिमम क्या होता है, तीन टाइप इंसुलेटर होता है, तो वो होता है पोर्सिलिन होता है. उसमें हम द कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड लाइन्स आर सॉलिड स्ट्रैंडेड, बोथ सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड, नॉन ऑफ द अबव. तो कंडक्ट ओवरहेड लाइन में हमेशा क्या होता है, सॉलिड भी होता है और स्ट्रैंडेड होता है. Which of the following is the source of heat generation in the cable? Dielectric loss in cable insulation, losses in conductor, losses in metallic sheet and armoring. All of the above. देखिए जो loss होता है, कोई भी loss होता है तो वहाँ पर क्या होता है, temperature produce होता है, temperature produce होता है, heat loss होता है वहाँ पर, I square R जो loss होता है, heat loss होता है हमेशा. ओके, तो कोई भी जगह पर loss हो तो heat generation होता ही है. तो यहाँ पर all of the above. Answer D. Which of the following are the constant of the transmission line? Resistance, inductance, capacitance. ये तीन को constant बता सकते हो. मेरा answer हो रहा है यहाँ पे all of the above. By which of the following system electric power may be transmitted? Overhead system, underground system, both A, B, none of the above. देखिए electric power जो transmit होता है तो दोनों तरीके से होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम में भी होता है, ओवरहेड सिस्टम में भी होता है. तो मेरा यहाँ पे आंसर जो हो रहा है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. इन डैश सिस्टम फ्यूल फॉर्म ए सेंट्रल पल्वराइजिंग यूनिट इज डिलीवर्ड टू ए बंकर एंड देन टू द वेरियस बंकर यूनिट सेंट्रल, नाम ऑफ दिस अबव. तो यहाँ पर ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, कौन सा सिस्टम यूज होता है फ्यूल को पल्वराइजिंग यूनिट से जो बंकर डिलीवर होता है एंड वेरियस बर्नर में यूज होता है. तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेंट्रल, नॉन ऑफ दिस अबव. तो यहाँ पे मेरा आंसर जो हो रहा है सेंट्रल बोलते हैं उसको, तो सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है सेंट्रल पल्वराइजिंग यूनिट से लेकर चारों तरफ बंकर में और बर्नर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है सेंट्रल. इकोनॉमाइजर इंप्रूव बॉयलर एफिशिएंसी बाई, जो बॉयलर का पार्ट होता है इकोनोमाइजर, बॉयलर से पहले जो है इकोनोमाइजर होता है, तो ये बॉयलर का एफिशिएंसी कितना परसेंट इंक्रीज करता है, 1 to 5%, 4 to 10%, 10 to 12%. तो ये हमेशा क्या होता है 4 to 10% इंक्रीज करता है बॉयलर का जो एफिशिएंसी होता है उसका. इवापोरेट टाइप ऑफ कंडेंसर हैज स्टीम इन पाइप सराउंडेड बाई वाटर, वाटर इन पाइप सराउंडेड बाई स्टीम, आइदर ए और बी, नॉन ऑफ द अबव. इवापोरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर भी पावर प्लांट का एक बड़ा हिस्सा है. कंडेंस जो होता है तो टर्बाइन के बाद जो सुपरहीटेड स्टीम आता है वो कंडेंस होता है कंडेंसर में. यहाँ पे देखिए इवापोरेटिव टाइप कौन सा टाइप में इवापोरेट होता है, स्टीम इज पाइप सराउंडेड बाई वाटर, वाटर इन पाइप सराउंडेड बाई स्टीम, आइदर ए और बी, नॉन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टीम इन पाइप, पाइप का अंदर स्टीम रहता है सराउंडेड बाई वाटर, वाटर उसको सराउंड देता है उसको ठंडा करने के लिए. तो मेरा यहाँ पे देखिए आंसर हो रहा है ए. स्टीम टर्बाइन आर गवर्न बाई द फॉलोइंग मेथड, थ्रोटल गवर्निंग, नोजल कंट्रोल गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग, ऑल ऑफ अबव. तो देखिए स्टीम टर्बाइन में जो गवर्निंग सिस्टम होता है वो एक्चुअली थ्रोटल गवर्निंग भी होता है, नोजल गवर्निंग भी होता है और बाईपास गवर्निंग भी होता है. तो ये तीन तरीके से यूज करता है. अभी का जो मॉडर्न टर्बाइन है उसमें सब एक साथ दिया हुआ है, नोजल कम थ्रोटल गवर्निंग होता है. तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन हो रहा है आंसर ए, सॉरी डी, ऑल ऑफ द अबव. इन केस ऑफ इंपल्स स्टीम टर्बाइन, ये टर्बाइन के टाइप होता है इंपल्स टर्बाइन, देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड,
There is enthalpy drop only in moving blade. There is enthalpy drop in nozzle. None of the above. तो यहाँ पे देखिए enthalpy drop जो होता है nozzle में होता है. ओके तो यहाँ पे impulse turbine में क्या होता है nozzle में होता है. तो मेरा यहाँ पे आंसर हो रहा है C. For induced drop the fan is located. तो ये बॉयलर का क्वेश्चन है. बॉयलर में दो टाइप का ड्रॉप सिस्टम होता है. एक होता है फोर्स ड्रॉप्ट और एक होता है इंड्यूस्ड ड्रॉप्ट. ओके तो यहाँ पे बोला है जी इंड्यूस्ड ड्रॉप्ट में फैन कहाँ पे लोकेट होता है. नियर द बॉटम ऑफ द चिमनी, नियर द बॉटम ऑफ द फैन, एट द टॉप ऑफ द चिमनी, एनी है परमिसेबल. तो यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द चिमनी, चिमनी के बॉटम में जो रहता है वो इंड्यूस्ड ड्रॉप्ट में. तो मेरा यहाँ पे आंसर हो रहा है ए, नियर बॉटम ऑफ चिमनी. तो थैंक यू. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और लास्ट में चार पांच जो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग का था, जो कि इलेक्ट्रिकल का काफ़ी अहम हिस्सा है. इसको मैकेनिकल का क्वेश्चन मान सकते हो लेकिन ये देता है अभी क्वेश्चन आता है. और चलिए थैंक यू. और नेक्स्ट पार्ट भी आपको अगर देखना है एमसीक्यू इम्पोर्टेंट तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए.